वो क्या मुझसे दूर हो गए, हमने माया जाल में फंसा रखा। माया समझते हैं, अगर एक करोड़ है दूसरा करोड़ बना रहा, कोई पता नहीं कल हो क्या, ये नहीं पता है जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही था। मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे पिछले गवर्नमेंट ने सतपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ सर आइए मेरे सामने, वहाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं, झूठ बोल, पहले तो हम सबको झूठ बोला, लेकिन सर तक जाएगा फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 से जाएगा 370 रहेगा, ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात, अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा, सोचते हैं ना तुम गवर्नर से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो गवर्नर फिर क्या करो, झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा तो फिर भी उसका फायदा इसे एक ही है, मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया, भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर थे, काम हुआ, आज भी वो जिंदा, पूछ लीजिए उसे, इंसान जब जाएगा कुछ नहीं साथ ले जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये टीशर्ट भी यही रह जाएगा, या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा, सिर्फ रूह जाएगा, आत्मा जाएगा, और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। जो जीव जीव किस्म के खबरें फैला रहे हैं, जो और फैलाएंगे और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। वाजपेयी ने मेरे सामने किसवाल में, यहां पाकिस्तान के कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते मुसारा, और क्या कहा, कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते, या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा दोस्ती होती, आज